नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी और आज बात करने जा रहा हूं जस्टिस जस्टी चेलामेश्वर की। हालांकि बात उनकी नहीं है, लेकिन उनके बहाने एक ऐसे उदाहरण की है जिसे अगर देश के वो बड़े लोग, वो लोग जिनका प्रभाव होता है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है और उसके करने के बाद एक तरह से जब वो रिटायर होते हैं, जब एक तरह से उनकी वो एक्टिव लाइफ खत्म होती है, तो वो क्या व्यवहार करते हैं, उससे समाज में जो संदेश जाता है, आज मैं उसकी बात करने वाला हूँ। जस्टी चेलामेश्वर रिटायर होने के बाद जिस दिन वो रिटायर हुए, उसी दिन उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। ये तो मीडिया ने दिखाया, लोगों को पता है, सबने बातचीत की। लेकिन उसके अलावा जो मीडिया में बातचीत हुई, या हम कहें कि हम लोगों के बीच में जो चर्चा हुई, वो सब वही थी कि किस तरह से उन्होंने और तीन साथी, जो कहें कि सीनियर मोस्ट जजेस थे, उन्होंने जो सवाल खड़े किए थे न्यायपालिका पर, चूँकि वो पूरी तरह से राजनीतिक मसला हो गया। लेकिन असली बात यह है कि जस्टिस जस्टी चेलामेश्वर रिटायर होने के बाद वो दिल्ली से सीधे आंध्र प्रदेश अपने पैतृक गांव चले गए हैं। अब ये सुनने में तो बड़ी छोटी सी खबर लगती है, लेकिन दरअसल ये बहुत बड़ी खबर है कि क्या इस देश में वो लोग जो शीर्ष पर पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, जिनकी जिंदगी देश के मेट्रो शहरों में बीतती है, महानगरों में बीतती है, जो बार बार ये कहते हैं कि गाँव ठीक होना चाहिए, गाँव सुधरना चाहिए, गाँव मजबूत होना चाहिए, वो क्या करते हैं, व्यवहार क्या करते हैं? वो रिटायर होने के बाद यहीं दिल्ली में गोल्फ खेलने लगते हैं, यहीं दिल्ली के क्लब में शाम को शराब पीकर अपनी शाम बिताने लगते हैं, यहीं दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बन जाते हैं, यहीं दिल्ली में रहते हुए ही पूरे देश की और देश के गांवों की चिंता करते हैं। यानी वो खुद नहीं करते, वो दिल्ली या मुंबई की उसी सारी समस्याओं को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन चिंता वो उस गाँव की करते हैं जिसको दरअसल वो पीछे छोड़ आए हैं। एक तरह से जैसे रेलवे के किनारे कई ऐसे आउटर्स होते हैं जिसको एबंडन लिख दिया जाता है, तो देश के बड़े लोग दरअसल गांवों को अपने एबंडन कर रहे हैं। और इसीलिए जस्टिस जस्टी चेलामेश्वर का अपने आंध्र प्रदेश के उस पैतृक गांव में लौट कर जाना, जहां से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ली थी, जहां से उन्होंने अपनी पहली पढ़ाई की थी, जहां वो कहते थे कि बारिश होती थी तो छुट्टी होनी तय थी क्योंकि स्कूल में छत ही नहीं थी, उस गांव में जस्टिस जस्टी चेलामेश्वर लौट कर गए हैं। और ये देश के बड़े लोगों के लिए, आप समझिए इससे कितनी बड़ी चीज होती है। जब वो उस गांव में जाकर लौटेंगे तो आसपास के लोगों के लिए वो एक मिसाल होंगे, एक उदाहरण होंगे, लोग प्रेरणा लेंगे उनसे, नई पीढ़ी सोचेगी कि हाँ, ये जस्टिस चेलामेश्वर हैं जो दिल्ली में इतने बड़े बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट में दिया करते थे, जिनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे देश में सवाल खड़े कर दिए थे। वो राजनीतिक थे, गैर राजनीतिक थे, वो अलग विषय है, लेकिन सचमुच इस देश को ऐसे ढेर सारे लोगों की जरूरत है, ऐसे नौकरशाहों की, ऐसे बड़े नेताओं की, ऐसे बड़े न्यायाधीशों की, ऐसे बड़े समाज सेवियों की, ऐसे बड़े पत्रकारों की, जो एक समय के बाद अपनी एक्टिव लाइफ के बाद, एक तरह से कहें जिसको हिंदू सनातन संस्कृति में हम वानप्रस्थ कहते थे कि जहां से आप कुछ देते हैं तो वानप्रस्थ जाने की जरूरत नहीं है, अपने गाँव जाइए, गाँव जाकर वहां कुछ व्यवस्था खड़ी कीजिए, कुछ लोगों को प्रेरित कीजिए, कुछ उदाहरण तैयार कीजिए, ये देश के लिए आपकी सच्ची सेवा होगी। और दरअसल यही वो होगा जो आप दिल्ली के किसी आईआईसी, आईएचसी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या ऐसी जगहों पर भाषण देकर कुछ नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आप अपने गांव जाते हैं, चार लोगों को प्रेरित करते हैं, धीरे धीरे भूतहे होते गांवों को, जहां सिर्फ या तो बेरोजगार बच्चे बचे हुए हैं जिनको मौके नहीं है, या फिर वो लोग जो रिटायर होने के बाद इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको उनके बच्चे अपने पास रखना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग जिनकी अपनी क्षमता है, जो दिल्ली, मुंबई या दुनिया के किसी शहर में रह सकते हैं, ऐसे समय में जब अरविंद सुब्रमण्यम जैसे लोग सीए की कुर्सी छोड़कर और अमेरिका चले जाते हैं, जब अरविंद पनगढ़िया जब यहाँ की नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की कुर्सी छोड़कर वो अमेरिका पढ़ाने चले जाते हैं, ऐसे समय में जस्टिस जस्टी चेलामेश्वर का अपने गांव आंध्र प्रदेश के अपने पैतृक गांव लौट कर जाना देश के लिए एक बड़ा सबक है, बड़ी मिसाल है, बड़ी प्रेरणा हो सकती है। इसलिए इस खबर को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, मीडिया हाउसेज को इस पर बड़ा शो करना चाहिए, अखबारों को इस पर विशेष निकालना चाहिए कि देश में कितने ऐसे लोग हैं जो जीवन के एक कहें कि शीर्ष पर पहुँचने के बाद जब उनका सक्रिय समय खत्म हुआ तो वो कहाँ गए, वो दिल्ली के फ्लैट में रह रहे हैं, दिल्ली की कोठी में रह रहे हैं, या कोई भी महानगर की कोठी, या फिर अपने गांव जाकर उन्होंने जो कुछ अर्जित किया है उसको फिर से वापस कर रहे हैं।